बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दानिश ऑनलाइन में दानिश मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, इतने दिन बाद आपसे रब्ता हो रहा है। असल में आपको पता है कि मेरी थोड़ी सी मसरूफियात हैं और मैं टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ, लेकिन जब से मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, और फिर उसके चक्कर में 2-3 दफ़ा मुझे आउट ऑफ कराची का विज़िट करना पड़ा, वर्ल्ड पाकिस्तान टूर करना पड़ा, तो इस वजह से भी बहुत सारी मसरूफियात थी, तो मैं इसलिए ऑनलाइन नहीं हो रहा था। तो बहुत माजरत चाहता हूँ। अब इंशाल्लाह मेरी वीडियोस आती रहेंगी आप लोगों के पास, और मेरे तमाम फैंस और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, सब लोग बहुत बेचैनी से वेट करते रहे हैं। बहुत माजरत, इंशाल्लाह अब आपको प्रॉपर वीडियोस मिलती रहेंगी। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2-3 पहलू हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये वीडियो कैसे शुरू करूँ, मुझे थोड़ी हंसी भी आ रही है और मुझे गुस्सा भी बहुत है। इसमें एक पुराना दोस्त जो उसकी कुछ बेगैरती भी बतानी है इसमें, और एक जाली डॉक्टर का किस्सा भी बताना है इसमें, और एक अच्छे डॉक्टर का, एक अच्छे डॉक्टर को हमें मेंशन भी करना है कि अगर आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये सब कुछ आपको कैसे बताऊं, लेकिन फिर भी बताना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊंगा तो आप लोग भी फिर जाली डॉक्टर के स्कैम में फंसते रहेंगे और अच्छे डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो शुरू करता हूँ मैं बताना, अब जहाँ जहाँ मुझसे जो गलती हो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि अपने अल्फाज को थोड़ा सा समेट के चलूँ। बहुत दिन हो गए कि मैं एक ब्लैक कॉफ़ी का एडिक्ट हो गया था, ब्लैक कॉफ़ी पीने लग गया था बहुत ज़्यादा, चाय नहीं पीता मैं और दूसरी मशरूबात। बिकॉज मैं ब्लैक कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा आदि हो गया था, ब्लैक कॉफ़ी पीना शुरू कर दी थी, मैं 2-2, 3-3 कप पीना शुरू कर दी थी, और मैं बड़ा बहुत पीता हूँ और बहुत इन्जॉय करता हूँ, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो मैंने कुछ दिन महसूस करना शुरू किया कि मेरे दांत कुछ मैले हो रहे हैं, कुछ काले हो रहे हैं दांत, और फिर मैं बहुत घबरा भी गया। तो पहले तो मैंने सबसे पहले कॉफ़ी छोड़ी, फिर उसके बाद मैंने 3-4 दफ़ा ब्रश करना शुरू किया, लेकिन मुझे अपने दांतों में कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। डर गया मैं, बहुत परेशान हुआ। तो फिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम मेंशन नहीं करूँगा मैं, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है वो जाली प्रैक्टिस करते हैं, डेंटिस्ट हैं वो, जाली प्रैक्टिस करते हैं वो, तो नाम मेंशन नहीं करूँगा। 20-25 साल से हमारी कोई अच्छी दोस्ती है। तो मैंने कहा मैं सबसे पहले इनसे रब्ता करूँ, मैंने उनसे रब्ता किया, मैंने कहा भाई जान ये क्या है, कैसे हो रहा है। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि मैं उनको फ़ोन पे ही सारे मामले बता दूँ, लेकिन मैं एक विज़िट करना चाह रहा था उनके पास, विज़िट किया मैंने उनके पास, और फिर उनके तमाम जो, तो मैंने फिर उनसे रब्ता किया और फिर मैं उनके क्लिनिक चले गया, जो सो कॉल्ड एक क्लिनिक कहा जा सकता है, मैं वहाँ चले गया। तो मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट भी थे, हम लोग चले गए वहाँ पर, और मैंने उनसे कहा कि मैं यूज़ सामान यूज़ नहीं करूँगा, मुझे स्टरलाइज सामान और न्यू सामान निकालो। तो उसके अलग से चार्ज लिए उन्होंने, जो कि हद बनता है, उनको उन्होंने ले लिए। जब उन्होंने मेरे दांत देखे तो उसके बाद आप बिलीव करें कि उन्होंने मुझसे कैसी कमेंट्स दिए हैं कि तुम्हारे दांत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, कीड़े पड़ गए हैं, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने वो मेरे दांतों के बारे में कहा, और मुझे तो उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है जैसे मैं आज ही मर जाऊँगा, इतनी बुरी कंडीशन उन्होंने मेरे दांतों की बता दी, और कहा कि अगर आप ये आज और कल में नहीं करवाएंगे तो आपके साथ बहुत ख़राब हो जाएगा, मामला ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतनी के जहाँ जहाँ मुझे डरा सकते थे, जैसे जैसे डरा सकते थे, तो मुझे डरा दिया। मैं तो परेशान हो गया कि मैं ना पान गुटखा नहीं लेता, सिगरेट नहीं पीता, चाय नहीं पीता, और मैं चॉकलेट इस्तेमाल नहीं करता, टॉफियाँ इस्तेमाल नहीं करता। इट मीन कि मैं अपने मुँह को बहुत क्लीन करने की कोशिश करता हूँ, दिन में 2-3 बार मैं पेस्ट भी यूज़ करता हूँ। तो ये सब कुछ कैसे हो गया मेरे साथ, बाहर ये मेरी बड़ी ख़राब कंडीशन थी। मैं आया अपने ऑफिस में और परेशान सा बैठ गया, तो हमारी मैडम ने मुझसे पूछा कि सर क्या हुआ, खैरियत तो है? मैंने कहा ये मामला हुआ है, मुझे तो ये कह दिया गया कि आप दांत तो इतने ख़राब हो गए हैं। अच्छा, मज़ीद एक एहसान और किया मेरे वो जो डेंटिस्ट दोस्त ने, उन्होंने कहा कि वैसे तो इन सारी चीज़ों के पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, अंदर से पूरा क्लीन करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा, इसके पैसे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मैं आपसे आपकी दोस्ती की खातिर मैं सिर्फ 4,000 रुपये लूँगा आपसे। मैंने कहा पैसों का मसला नहीं है, लेकिन जिस कंडीशन को आपने बताया है, जो कंडीशन आपने मुझे बताई है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। बहरहाल मैं बिल्कुल परेशान बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, तो मैडम ने पूछा कि आप इतने परेशान क्यों बैठे हैं, तो मैंने उनको बताया कि ये मामला है। तो मैडम ने कहा कि आप क्यों परेशान हो, सर डॉक्टर जावेद से मिल लें, आप कौन की 2 नंबर पर उनका क्लिनिक है, डॉक्टर जावेद से मिल लें, हम लोग अपने समान मसाइल के लिए उनके पास जाते हैं।
मैंने उनकी बात सुनी और इग्नोर कर दी। इत्तफाक से उसी एक आध मिनट के अंदर हमारी एक आंटी मेरे पास आ गई, वो सबक काउंसलर भी रह चुकी हैं और बहुत अच्छी हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं मुझसे। वो आ गई, उन्होंने देखा मुझे मैं परेशान बैठा हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ बेटा। मैंने कहा ये वह मामला हुआ मेरे साथ, तो मैं तो दांत बहुत ख़राब हो रहे हैं और ये हो रहा है। कहती बेटा मेरे साथ डॉक्टर जावेद के चलना, हमारे तो फैमिली ट्रम्प से। इट मीन के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही दो, तो हमारी आंटी ने कहा कि आप मेरे साथ डॉक्टर जावेद के चलिएगा, वो हमारे उनसे फैमिली ट्रम्प भी हैं और बहुत अच्छे हैं वो। तो इट मीन के सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही दो लोगों ने मुझे डॉक्टर जावेद के लिए रिकमेंड कर दिया। तो फिर मैंने एग्री कर लिया, मैंने कहा ठीक है। कहती बेटा मैं ले चलूँगी आपको। मैंने कहा आंटी फीस वगैरह क्या होगी। कहती बेटा मैं चल रही हूँ ना आपके साथ, तो आपको फीस वगैरह की क्या ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है जी चले। तो शाम में वो मुझे डॉक्टर जावेद के क्लिनिक ले गए। हम गए डॉक्टर जावेद से मिले, डॉक्टर जावेद ने बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल दिए, एक आंटी की वजह से, दूसरा मेरे टीचर होने की वजह से, और बहुत स्पेशल प्रोटोकॉल दिया, बहुत मोहब्बत की उन्होंने। और फिर मैंने उनको अपने दांतों की कंडीशन बताई, मैंने कहा ये मामला था, उन्होंने मुझे लिटा दिया, कहते आप लेट जाए मैं देख चेक करता हूँ। जब उन्होंने मेरे दांत देखे तो सरप्राइजली उन्होंने मुझे क्या कहा कि आपके दांत बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत सेहतमंद दांत हैं आपके, सिर्फ थोड़े से जो मैले हैं ये सिर्फ हमारे एक आध विजिट में ही सेट हो जाएंगे। मैं बहुत शॉक्ड, बहुत शॉक्ड हुआ। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे दांत बहुत खराब है। सर प्लीज़ गौर से देखें, अंदर तक देखें क्या मामला थे। उन्होंने बार बार चेक किया और चेक करने के बाद सिर्फ उन्होंने एक ही बात कही कि हल्के से मैले हैं, ये भी साफ हो जाएंगे। तो मैंने उनसे फीस वगैरह के बारे में मालूम करना चाहा, तो आंटी ने कहा ठीक है फिर फीस वगैरह का कोई मसला नहीं है, देख लेते हैं। लेकिन फिर भी इंतहाई कम करने के बाद उन्होंने आंटी की शक्ल देखते हुए, मेरी शक्ल देखते हुए उन्होंने सिर्फ यही कहा कि 3 विजिट के मैं सिर्फ 1500 रुपये में आपके दांत बिल्कुल क्लीन कर दूंगा और बहुत ही सेहतमंद और अच्छे दांत हैं आपके। आप यकीन नहीं कर सकते उस वक्त मेरी क्या पोजीशन थी कि मेरा एक बेहतरीन दोस्त जो 20 साल से मेरा दोस्त था और एक जाली डॉक्टर की वो प्रैक्टिस करता है, उसने मुझे क्या कहा कि आपके दांत बहुत ख़राब है, अभी ख़त्म हो जाएंगे। मुझे तो लग रहा था कि मैं आज ही मर जाऊँगा। जब डॉक्टर जावेद से बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके दांत बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं, और सिर्फ जहाँ उन्होंने 4000 रुपये मेरी सेहत पे एहसान करते हुए हाथी ताई कबल पे लात मारते हुए उन्होंने 4000 रुपये बताए थे, वहाँ उन्होंने सिर्फ यही कहा कि 3 विजिट के मैं आपसे सिर्फ 1500 रुपये लूँगा और बिल्कुल साफ हो जाएंगे। और पैसे भी मैंने पे नहीं किए, वो तो आंटी ने पे किए, वो तो उन्होंने मुझसे पैसे लिए ही नहीं, मुझे पैसे वो फीस भी उन्होंने पे की, मेडिसिन भी उन्होंने मुझे ला कर दी। इट मीन के मेरे लिए तो फ्री का काम हुआ। और आप यकीन करें कि वो 3 विजिट में, अभी सारी वीडियोस भी इसके साथ साथ चलती रहेंगी, वो सिर्फ 3 विजिट में और 5-5 मिनट के, 6-6 मिनट के वो विजिट थे, और 3 विजिट में उन्होंने मेरे दांत बिल्कुल इंतहाई क्लीन कर दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा जो मर्जी खाएं, जैसे मर्जी खाएं, कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि एक जाली डॉक्टर आपके साथ क्या कर सकता है। वो चाहे वो दांतों का डॉक्टर है, चाहे वो किसी भी चीज़ का डॉक्टर है, वो होल बॉडी का डॉक्टर है, किसी भी चीज़ का डॉक्टर है, वो एक जाली डॉक्टर आपके साथ क्या कर सकता है, एक प्रोफेशनल जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर है वो आपके साथ। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी मामले में किसी भी जाली डॉक्टर के पास, चाहे वो आपका करीबी दोस्त ही क्यों ना है, चाहे वो कोई भी है, आप किसी जाली डॉक्टर के पास आया, थोड़े से पैसे हो सकता है ज़्यादा लग जाए, थोड़े से हो सकता है थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हो जाए, लेकिन आप किसी मुस्तंद डॉक्टर के पास ही जाइए और फिर उसके बाद जाके अपना इलाज करवाइए, वरना तो छोटे छोटे मामला को बड़ा होते देर नहीं लगती। अभी आपको ये तमाम वीडियोज़ हम लगाते हैं इसके साथ, ताकि आपको पता लगे कि मेरे ट्रीटमेंट्स कैसे हुए और क्या 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 हुआ। ये वीडियो बनाकर मैं लाजमी उस शख्स को ज़रूर शेयर करूँगा कि जिसने मेरे दांतों के बारे में ये बता दिया था कि अभी ख़त्म हो जाएंगे। मुझे तो लगता था मैं आज ही मर जाऊँगा, लेकिन वीडियो देखें, मज़ा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के थ्रू सबसे स्पेशल थैंक्स जो मैं करना चाहता हूँ वो हमारी आंटी को, जो माशाल्लाह साबिक काउंसलर भी हैं, मुझसे बहुत बच्चों की तरह, अपने औलाद की तरह मुझसे वो प्यार करती हैं। स्पेशल थैंक्स मैं उनका करूँगा कि उन्होंने बहुत स्पेशल मुझे ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश की और मुझे बहुत प्यार किया उन्होंने। और दूसरा जो स्पेशल थैंक्स है डॉक्टर जावेद का, उनकी टीम का, उन्होंने बहुत स्पेशल और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से ये सारे काम किए। बहुत मज़ा आया, बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने मेरे साथ ये काम किया। हो सकता है आपका प्रोफेशन हो, लेकिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहा।